सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा जिले की केतार प्रखंड में प्रतिदिन हजारों रुपए की राजस्व का चूना सरकार को लगा रहे हैं बालू माफिया। प्रशासन की सख्ती भी इन बालू माफियाओं पर नाकाफी साबित हो रहा है। पंडी नदी तट से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रॉली अवैध रूप से बालू ढुलाई होने की जानकारी सूत्रों द्वारा मिल रही है। ग्रामीणों को इससे भारी परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि समीपस्थ पंचा डूमर बालूघाट लीज पर है, लेकिन माफियाओं के लिए पंचा डूमर सोन नदी की बजाय पंडी नदी के अलावा मुकुंदपुर, सिंहपुर, ताली, परसोडी, बांसडी, हुरका, बेलाबार, केतार, बलीगढ़, खूनहर व अजानिया गांव सोने का अंडा देने वाला साबित हो रहा है, जिस पर प्रशासन को और कड़े कदम उठाने होंगे ताकि सरकारी राजस्व की हानि न हो और खनिज संपदा भी सुरक्षित रहे। केतार से सूरज कुमार की रिपोर्ट। बालू लोड कर रहे हैं? नहीं आज हम अभी के अभी तुरंत बालू लोड कर रहे थे भाई। अभी तो लोड कर रहे थे। किनका गाड़ी था? गाड़ी भुटू से।